किया कि हमारी सभी इंद्रियों में कान सबसे ज्यादा विशेष है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में है तब भी उसके कान कार्य करते हैं, कानों के द्वारा वो अपनी रक्षा करता है, ही इज एबल टू रिलेट, और इसलिए ये कानों का और श्रवण का अत्यंत महत्व है। श्री प्रभुपाद जी ने और एक जगह उदाहरण दिया कि जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है उस व्यक्ति को भी उसके कान में मंत्र बोल करके वापस जीवित किया जाता है, सांप के जहर को उतारा जाता है। तो कान ये श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन की सिद्धि तीन प्रकार के भौतिक तापों से मुक्ति प्राप्त करने में, ये तीन भौतिक ताप हैं शोक, मोह और भय। व्यक्ति हर क्षण चिंता ग्रस्त रहता है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, चिंता अपरिमेयम च प्रलयम अंत उपाश्रित कामोपभोग परमा एतावादति निश्चिता। They are obsessed by the endless anxieties that end with the death. Still, they maintain with the complete assurance that the gratification of the desires and the accumulation of wealth is the highest purpose of life. ऐसे लोग इस नाना प्रकार की चिंताओं से पूरी तरह से ग्रस्त रहते हैं और ये चिंताएं प्रलय के अंतिम दिन तक बनी रहती हैं, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। भौतिक चेतना का लक्षण है चिंता, भय और आसक्ति। भगवान के बारे में सुनने पर ये तीनों स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने पर श्री भगवान के प्रति अनुरक्ति जागृत होती है और तब भय रोग, भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं, द मेटेरियल डिजीज। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। जो चार चीजें बताई गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन चारों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया ये धर्म का वास्तविक प्रयोजन नहीं है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजे सतनयम तद्दान वृंदावनम रम्या काचित उपासना पर वर्गेण या कल्पित श्रीमद् भागवतम प्रमाणामलम प्रेम कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्राधरो न परः। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, उनका यह मत है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना यह सारे भक्ति का और सारे हमारे प्रयोजन का निष्कर्ष है, उत्कर्ष है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो दर्शन का भी कोई लाभ नहीं होगा। दुर्योधन ने भी कृष्ण के उतने ही दर्शन किए जितने अर्जुन ने किए, कोई अंतर नहीं था। रावण ने भी भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए परंतु लाभ क्या हुआ? तो वास्तविक रूप से लाभ तभी होगा भले हम दर्शन करें या ना करें, परंतु भगवान के प्रति हृदय में प्रेम हो। और भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, यह सर्वोत्कृष्ट रस के सागर हैं। वासुदेव चतुर्भुज हैं और कृष्ण द्वारका के जो कृष्ण है वो पूर्ण है, और मथुरा के जो कृष्ण है वो पूर्ण तर है, और वृंदावन के जो कृष्ण है परिपूर्णतम है, इज द कंप्लीट। और उन कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना यह जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। जीवों को भगवान की प्रकृति कहा गया है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामामि कृत्संवसम प्रकृति वसा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से इसका विनाश होता है। तो ये पूरा भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत भगवान के द्वारा उद्गृत हुआ है। कृष्ण एवं जीव के बीच में प्रेम का संबंध है और प्रकृति स्त्रीवाचक है। देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर और द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड।
क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ममे वांसो जीवलोके, सो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड बीइंग पार्ट वी हैव ए रिलेशनशिप विद द सुपर सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और ये संबंध सारे शास्त्रों के अंदर सिर्फ ये तीन विषय हैं, पूरे जितने भी ऑल द स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एनी रिलीजन हैज ओनली थ्री सब्जेक्ट्स, संबंध, हमारा और भगवान का संबंध क्या है, अभिधेय, हाउ टू एक्ट ऑन दैट रिलेशनशिप, वंस वी हैव रिलेशनशिप देन हाउ वी फुलफिल दैट पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप एंड प्रयोजन व्हाट वी अटेन आउट ऑफ दैट। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया संबंध अभिधेय और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, दिस इज द अल्टीमेट टू अटेन द लविंग डिवोशनल सर्विस एंड लविंग सेंटिमेंट्स फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। यह प्रेम भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है और यह प्रेम भक्ति भगवान के बारे में सुनने से, जस्ट बाय हियरिंग, जस्ट स्वर्णताम स्व कथा कृष्ण, दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस बिकॉज इमीडिएटली ए कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं हृदय के अंदर एक संबंध स्थापित हो जाता है, साथ ही साथ यह भी बताया गया कि यह सुनना एक प्रमाणिक स्रोत से होना चाहिए, दैट इज ओनली कंडीशन, देन इमीडिएटली दिस कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड। दिव्य शब्दों के द्वारा तुरंत उनसे जुड़ना, वी गेट कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। यह तुरंत सारे भौतिक प्रभाव को समाप्त करके असर दिखाती है, भौतिक शरीर की भ्रामक बंधन को लोग वास्तविक मानने लगते हैं, क्योंकि संसार में हम ये जो भौतिक संबंध है उसी को वास्तविक मान करके चलते हैं और यह अंत तक बना रहता है, चिंता मपरियमता, यह अंत तक बना रहता है यह जो वास्तविक मानना, और यह नाना प्रकार से समटाइम्स दिस इज एक्सटेंडेड, समटाइम्स वी कम इन द पाथ ऑफ डिवोशन and we assume that we have taken over, we have crossed over, but we have not, because this gets extended in the form of different isms, jaisa Srila Prabhupada ji ne bataya, parivarvad, samajvad, sometimes it extended to the samaj, and sometimes it is rashtravad, or sometimes manavatavad, तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर तक यह विस्तृत होता है, इट गेट्स एक्सटेंडेड बट इट डज नॉट कम आउट, व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता है, भगवान के साथ वास्तविक संबंध को नहीं महसूस कर पाता है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंटिल अनलेस दिस चेन इज ब्रोकन, दिस इज द एंकर, यह जो है लंगर है जो भौतिक संसार के साथ हमको बांध करके रखा है। नारद मुनि का यह लंगर समाप्त हो गया, अपनी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने तुरंत सबको छोड़ करके त्याग करके एकमात्र भगवान के भजन में लीन हो गए, और पहले भी वो भगवान के प्रति पूर्णतः आसक्त थे। सो दिस इज द डिफरेंस, भौतिक संसार की भ्रामक बंधन को वास्तविक मानना पड़ मानने लगता है। यह इतना जटिल है कि मनुष्य शरीर के विकसित करने के बाद भी वादों के रूप में चलते रहता है, परिवारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, मनुष्य ज्ञानी तथा नाना प्रकार से कर्म मिश्र भक्ति और यह मिश्रित भक्ति का आश्रय लेता है, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकमात्र शुद्ध भक्ति की प्रस्तावना की है, द प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जिसके अंदर में किसी भी प्रकार से कोई भी ज्ञान का मिश्रण नहीं है, किसी भी प्रकार से कर्म का मिश्रण नहीं है, किसी भी प्रकार से अन्य किसी अभिलाषा का, अन्याभिलाषितम शून्यम, सभी प्रकार की दूसरी अभिलाषाएं का कोई स्थान नहीं है, एकमात्र एक अभिलाषा है भगवान को प्रसन्न करना। हाउ कैन आई प्लीज, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, दैट्स द ओनली डिजायर। इस प्रकार से हम भौतिक संसार में
अपने भगवत प्रेम को विभाजित करते हैं, फ्रेगमेंटेड, नॉट फुल्ली, वी आर नॉट फुल डेडिकेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, आवर लव एंड आवर सरेंडर इज डिवाइडेड। बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, भगवान ने बताया अर्जुन को ये बहुत शाखाओं में बटा हुआ है, और इस बहुत शाखा में बटे होने के कारण हम उसको वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भगवान ने इसलिए बार बार कहते हैं भगवद गीता में अनेक बार इस शब्द का वर्णन है, अनन्यस अनन्यस अनन्यस, ओनली मी ओनली मी ओनली मी, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, सर्व धर्म परित्यजम माम एकम, ओनली मी, राइट। दिस इज अगेन एंड अगेन कृष्णा हैज एम्फसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट दैट वन पॉइंटेड सिंगल पॉइंट, तब जाकर के हम वास्तविक जो है प्रगति कर सकते हैं। और ये वन पॉइंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा इज पॉसिबल बाई प्रॉपरली हियरिंग इन द बोनाफाइड सोर्स एंड ट्राइंग टू सेटिस्फाई एंड सर्व। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम सेवा करें, जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने अपने गुरु महाराज से कभी कोई दूसरा प्रश्न नहीं किया, सिर्फ एक प्रश्न किया, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम जिज्ञासा इस महत्वपूर्ण प्रश्न की सिंसियरिटी के साथ करेंगे और इस प्रश्न के ऊपर कार्य करेंगे, तब हम अपने जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में भी उसी बात के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि गुरु महाराज ने कहा था पश्चिमी देशों में जाओ और प्रचार करो, उसको पूरा करना ही। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु कुड बी डिलेड और पोस्टपोन बट कैन नेवर बी गिवन अप, सो दैट इज द परफेक्शन। सो श्री प्रभुपाद क्लियरली एम्फसाइजेस वी अटेंटिवली हियर, और जब हम ध्यान से सुनेंगे तो शोक मोह और भय समाप्त हो जाएगा, भौतिक संसार से हमारा संबंध छूट जाएगा, और भौतिक संसार से हमारा संबंध छूटने के बाद हम कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। और हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना। हरे कृष्ण, धन्यवाद।